नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। महिला अगर शराब पी के सेक्स करती है तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इफेक्ट अल्कोहल का होता है, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में बताऊँगा, चाहे वो कंटिन्यू में यूज़ करती हैं या फिर वो कभी कभी यूज़ करती हैं। तो नंबर एक आता है दोस्तों, इसके अंदर ऑर्गेज्म में उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, खास करके जो अल्कोहल यूज़ कर रही हैं, जो शराब पी रही हैं, वहाँ पर तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उनको सेटिस्फाई करना काफ़ी मुश्किल होता है, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। सेकेंड आती है दोस्तों, इसके अंदर ऑर्गेज्म में कमी मिलती है, मतलब उनको उत्तेजना कम होती है। अब उत्तेजना कम क्यों होती है, क्योंकि जो इंटरनल उनकी डिज़ायर होती है, सेक्सुअल डिज़ायर होती है, वो कम हो जाती है, तो अल्कोहल की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। नंबर सेकेंड है दोस्तों, इसके अंदर उनको पेनफुल सेक्स हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि जो प्राइवेट पार्ट हैं वो डैमेज हो सकते हैं। उसका डैमेज होने का रीज़न ये है कि वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो रहा है। शराब पीने से मेल का और फीमेल का दोनों का ब्लड फ्लो कम होता है, इसलिए उसको ज़्यादा सेंसेशन नहीं होती है और उसको प्राइवेट पार्ट्स में इंजरी हो सकती है। तो उसको प्राइवेट पार्ट्स में इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है, क्योंकि वहाँ पे सेंसेशन थोड़ी पेशेंट की कम हो रही है। नंबर थर्ड है दोस्तों, इसके अंदर पेशेंट को एसटीडी हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती है, और इसमें और पेशेंट को हो सकता है कि वहाँ पे अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और फीमेल हो या मेल हो, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। कंटिन्यू में अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको आप बंद कर दीजिए, अदरवाइज़ आपके लीवर, आपकी किडनीज़, आपके जो सेक्सुअल डिज़ायर हैं और जो आपके सेक्सुअल नॉर्मली फंक्शन होने चाहिए, जो इरेक्शंस होने चाहिए, जो डिज़ायर होने चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं आपके बंद हो जाएंगी। क्योंकि अल्कोहल के अंदर कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कि ये सारी चीज़ों को घटाते हैं, हमारे ब्लड फ्लो को घटाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होते हैं, और हमारी बॉडी के हार्मोन्स जब चेंज होते हैं, बदलाव होता है, तो हमारी सेक्सुअल डिज़ायर पर भी फ़र्क पड़ता है। जब सेक्सुअल डिज़ायर पर फ़र्क पड़ता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इरेक्शन आनी बंद हो जाती है। बहुत लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जो बहुत लंबे समय से अल्कोहल का यूज़ कर रहे थे या फिर किसी और नशे की चीज़ों का यूज़ कर रहे थे, कि वो लंबे समय से सुल्फा यूज़ कर रहे थे, तो उनके अंदर देखने को मिलता है कि अब वो कंप्लीट इम्पोटेंसी के अंडर हो चुके हैं। मेडिसिंस भी वहाँ पे उनको इतना अच्छा काम नहीं कर रही हैं। इवन वो अच्छी से अच्छी टैबलेट खा लेते हैं, एलोपैथिक की भी लेके, लेकिन उनको आराम नहीं मिलता है, उनको इरेक्शन तक नहीं आ पाती है, क्योंकि उनके सिस्टम पहले ख़राब हो चुके हैं, जिसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो कोशिश कीजिए आप इनको आज ही छोड़ दें। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।